इस दिवाली रिलीज हो रही है अजय देवगन की एक्शन कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार। इस फिल्म से अजय देवगन और संजय दत्त की जोड़ी फिर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने आ रही है और इस प्रोमो को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म होगी फुल ऑन एंटरटेनमेंट। लेकिन इस सन ऑफ सरदार के लिए बॉक्स ऑफिस की डगर आसान नहीं होगी, क्योंकि इसी दिवाली यशराज फिल्म्स शाहरुख खान के साथ लाने जा रही है अपनी मच टॉक्ड अबाउट रोमांटिक फिल्म। और इन दोनों फिल्मों के ग्रैंड रिलीज से 4 महीने पहले ही आने लगी है क्लैश की खबरें। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो यशराज फिल्म्स और सन्स ऑफ सरदार के मेकर्स दिवाली के दौरान स्क्रीन बुकिंग से लेकर आ गए हैं आमने सामने। यशराज फिल्म्स ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म को दिवाली के दौरान चाहिए मैक्सिमम स्क्रीन्स, और इसीलिए अभी से उन्होंने स्क्रीन की बुकिंग कर दी है। खबरों की माने तो यशराज ने एक था टाइगर रिलीज कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर से ही दिवाली के दौरान शाहरुख की फिल्म के लिए स्क्रीन्स बुक करने के लिए कह दिया है, और अब ये साफ हो गया है कि शाहरुख स्टार ऑफ फिल्म को ज्यादा स्क्रीन्स मिलेंगे और सन ऑफ सरदार को कुछ स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ेगा। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार भी एक बिग बजट फिल्म है और खुद अजय ने इस मूवी पर अच्छे खासे पैसे लगा रखे हैं, और अगर इस फिल्म को प्रॉपर स्क्रीन स्पेस नहीं मिला तो उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे शाहरुख और अजय को अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस क्लैश के समय अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। आपको संजय लीला भंसाली की सांवरिया और शाहरुख की ओम शांति ओम की रिलीज के वक्त हुई कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म सन ऑफ सरदार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अजय शाहरुख के अगेंस्ट जाकर कोई स्टेप लेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.